हेलो ऑल, दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। एंड लास्ट वीक से मुझे दुनिया भर की वेबसाइट से, उन सभी वेबसाइट से जिन पर मैंने अकाउंट बनाया, जिनका न्यूज़लेटर मैंने सब्सक्राइब किया है, उनसे मुझे मेल आ रहे हैं और सभी मेल्स का कॉमन सब्जेक्ट है न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट। सो पूरी दुनिया की वेबसाइट एक ही साथ क्यों प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रही है? एनी आइडिया अबाउट दैट? नो? ओके, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। ये कहानी तब शुरू हुई जब पूरी दुनिया को पता चला कि फेसबुक अपने लॉगिन यूजर्स का डाटा तब भी ट्रैक करता है जब वो लॉग आउट हो चुके होते हैं। मतलब आपकी इंटरनेट की सभी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है, डाटा को सेव किया जाता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। और इतना ही नहीं, फेसबुक उन लोगों का डाटा भी ट्रैक करता था और इन्फॉर्मेशन सेव करता था जिनका फेसबुक पर अकाउंट ही नहीं है। सो वो सभी लोग जो इंटरनेट पर मौजूद है उनका डेटा ट्रैक किया जा रहा था, एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा था और डेटा को सेव किया जा रहा था और उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए और इसी के अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन ने एक नया प्राइवेसी प्रोटेक्शन का लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है GDPR, मतलब जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। सो इसके अंदर क्या है? एक्चुअली इस लॉ के अंदर कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई है जिसका वायलेशन कोई नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, सभी को इससे एग्री होना पड़ेगा अगर उनके कस्टमर यूरोप से बिलोंग करते हैं तो। ओके, एंड इंटरनेट बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में फैला है एंड ऑफकोर्स किसी वेबसाइट पर यूरोप के यूजर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए सभी वेबसाइट्स जो हैं वो प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर रही हैं। सो अगर कोई वेबसाइट इन लॉ के अगेंस्ट जाती है तो उन पर पेनल्टी फाइन होगी एंड पेनल्टी है मिनिमम $23 million एंड मैक्सिमम आपके टोटल रिवेन्यू का 4%। ओके, मतलब अगर फेसबुक का लास्ट ईयर रिवेन्यू 46 billion था तो 1.6 billion की पेनल्टी होगी फेसबुक पर अगर वो डेटा ट्रैक करता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के। सो GDPR में कौन कौन सी नई पॉलिसीज है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर वन, वेबसाइट्स अपने यूजर को डेटा पर ज्यादा कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगी। नंबर टू, अगर कोई भी वेबसाइट आपका डेटा ट्रैक कर रही है या आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर रही है और सेव कर रही है तो उसे पहले आपकी मंजूरी लेना पड़ेगी, मतलब यू हैव टू बी एग्रीड टू दैट टर्म एंड कंडीशंस। ओके, नंबर थ्री, वेबसाइट ने अपने यूजर का जितना भी डेटा लिया है, सेव किया है, जितनी भी एक्टिविटी को ट्रैक करके इन्फॉर्मेशन बटोरी है वो यूजर के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब आपको दिखाई देना चाहिए वेबसाइट पर कि आपका कितना डेटा ट्रैक किया गया है एंड सेव किया गया है। नंबर फोर, अगर यूजर चाहे तो उस डेटा को डिलीट कर सकता है और वेबसाइट को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और वेबसाइट को उस यूजर का पूरा डेटा डिलीट करना होगा। नंबर फाइव, अगर वेबसाइट के डेटा पर किसी भी तरह की ब्रीचेस होती है, मतलब डेटा पर किसी भी तरह का अटैक होता है जिससे कि यूजर का डेटा लीक हो सकता है या डेटा हार्म हो सकता है, तो ऐसे केसेस में वेबसाइट के ऑनर्स को यूजर्स को बताना होगा उस अटैक के बारे में, उस ब्रीचेस के बारे में, वो भी 72 आवर्स के अंदर अंदर। द यूजर शुड बी नोटिफाइड फॉर द ब्रीचेस ऑन द डाटा। ओके, सो ये है GDPR जिसमें आपको ज्यादा कंट्रोल मिलता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलती है और ज्यादा प्राइवेसी मिलती है इंटरनेट पर। अब कोई भी आपके डाटा को इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता जब तक कि आप परमिशन ना दे। ओके, सो जब भी आप किसी वेबसाइट पर कोई एग्रीमेंट चेक करते हैं, यू नो, जस्ट चेक मार्क I accept the terms and condition, तो so just be clear कि हो सकता है कि आप उन्हें डेटा ट्रैक करने की परमिशन दे रहे हो एंड दिस विल बी अंडर द लॉ नेक्स्ट टाइम बिकॉज सभी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर ली है, आपको ईमेल भेज दिया है, आपकी तरफ से कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से ताकि आपका डाटा ट्रैक ना हो और बिना परमिशन के कोई भी वेबसाइट उसे सेव ना कर पाए। ओके, सो दिस इज GDPR। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो and yes, don't worry, just accept these conditions if you want and no further action is required from your side, just aap to video ko like kijiye, channel ko subscribe kijiye aur bane rahiye hamare sath। See you in the next video guys, till then happy coding।